हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर क्लाइमेट, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 9 से। हमारे जो पिछले दो चैप्टर थे उसमें हमने जाना लैंडफॉर्म और ड्रेनेज के बारे में हमारी कंट्री की। तीन जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कोई भी जब सीखता है नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में किसी भी एरिया के, तो ये तीन मेन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से हमने लैंडफॉर्म और ड्रेनेज के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम थर्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर कैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, कैसा हमारे यहाँ का वातावरण है, क्यों ऐसा होता है कि हम दिसंबर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जबकि गर्म होता है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा अनइजीनेस सी महसूस होती है जब गर्मी का सीजन होता है जैसे मई का महीना हो गया, या जून और जुलाई में बारिश क्यों होती है। तो इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो हमें तब पता चलेंगे जब हम क्लाइमेट जो है इंडिया का उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है कि क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट हुआ जो भी हमारे यहाँ की वेदर कंडीशंस हैं, जो भी एक बड़े एरिया में काफी लंबे समय तक, समझ लो आप 30 साल की अगर हम कैलकुलेशन करें तो 30 साल के अंदर एक बहुत बड़े एरिया में क्या वेदर कंडीशंस में चेंजेस आए उसका जो सम टोटल होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। वेदर क्या हुआ? वेदर होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे एक पर्टिकुलर समय में कैसा वहाँ का वातावरण है, कैसी वहाँ की अवस्था है, उसे हम वेदर कहते हैं। तो जो एलिमेंट्स हैं वेदर के और क्लाइमेट के वो दोनों सेम हैं, यानी कि कौन कौन से, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। आपने ये देखा होगा कि एक ही दिन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि जो वेदर कंडीशंस हैं उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं, पर एक कॉमन पैटर्न होता है जो कुछ हफ्तों तक या महीनों तक रहता है। जैसे दिन जो है वो गर्म होंगे या ठंडे होंगे, हवाएं चल रही होंगी या बिल्कुल शांत होगा, बादल ही बादल रहते हैं या बिल्कुल सूरज निकला हुआ है, गीलापन है या सूखा है, यानी बारिश हुई है या बारिश नहीं हुई है। तो ये जो हमारी एक महीने की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं इनके आधार पर ईयर को डिवाइड किया गया है सीजन्स में, जैसे कि विंटर, समर और रेनी सीजन्स। वर्ल्ड को हमने डिवाइड किया है बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में। आप जानते हो कि हमारी इंडिया का किस तरीके का क्लाइमेट है और ऐसा क्यों है? इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लाइमेट है इंडिया का उसको हम मॉनसून टाइप कहते हैं। एशिया के अंदर इस तरीके का क्लाइमेट मेनली साउथ या साउथ ईस्ट में पाया जाता है। कहने को जो पूरा जनरल पैटर्न है वो एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी जो क्षेत्रीय तौर पे चेंजेस देखने को मिलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर, जैसे कहीं बहुत ज्यादा बर्फ जमी होगी, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही होगी, ये सब भी हमको देखने को मिलता है कंट्री के अंदर। तो अब हम मेनली दो एलिमेंट्स लेते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, और फिर एग्जामिन करते हैं कि कैसे ये प्लेस टू प्लेस या सीजन टू सीजन डिफर करते हैं। समर में जो मर्करी है वो जनरली, यानी जो पारा होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को टच कर जाता है कुछ हिस्सों में राजस्थान के डेजर्ट के अंदर, जबकि वही 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा पहलगाम में जम्मू कश्मीर के अंदर। इसी तरह अगर हम सर्दी की रातों की बात करें तो टेम्परेचर जो द्रास में होगा जम्मू कश्मीर में वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा, जबकि तिरुवनंतपुरम में उसी समय वो जो टेम्परेचर होगा वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आप जानते हैं कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है डे और नाइट के टेम्परेचर में। अब जैसे थार डेजर्ट में जो टेम्परेचर दिन का है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और जब रात में जो है उसी रात को उसका टेम्परेचर गिर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है डे एंड नाइट के टेम्परेचर में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में या फिर केरला में। अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। जो चेंजेस हैं, वेरिएशंस हैं, वो खाली फॉर्म्स और टाइप्स में नहीं है प्रेसिपिटेशन के, बल्कि उसकी क्वांटिटी में और उसके सीजनल तौर पे किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी है। जहाँ प्रेसिपिटेशन मोस्टली रेनफॉल या स्नोफॉल की फॉर्म में होता है अपर पार्ट्स में हिमालयस के, वहीं पूरे और हिस्सों में बारिश हो रही होती है। यानी हिमालय में अगर प्रेसिपिटेशन होगा तो वहाँ बर्फ गिरेगी, लेकिन बाकी हिस्सों में कंट्री के बारिश होगी। जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है वो लगभग, उसका वेरिएशन कैसे होगा कि मेघालय में अगर 400 सेंटीमीटर हुआ है तो लद्दाख में सिर्फ 10 सेंटीमीटर से भी कम होगा, या वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से कम होगा। ज्यादातर जो हिस्से हैं हमारी कंट्री के उनको जो बारिश मिलती है वो जून से सितंबर तक मिलती है,
लेकिन कुछ हिस्से हैं जैसे तमिलनाडु का कोस्ट है, वो जो है सबसे ज्यादा वहां बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर में। जनरल तौर पे जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें टेम्परेचर जो कंडीशन है उनके चेंजेस बहुत कम आते हैं। सीजनल कंट्रास्ट कह सकते हो काफी ज्यादा है कंट्री के अंदरूनी हिस्सों में। रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलती है ईस्ट से वेस्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। ये जो वेरिएशन है इसकी वजह से जो लोग वहां रहते हैं उनके में भी बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, चाहे खाने के मामले में कहें, कपड़ों के जो पहनते हैं उनके उसमें कहें, या फिर जिस तरीके के घरों में वो रहते हैं उसके बारे में अगर कहें। अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। जो किसी भी जगह का क्लाइमेट होता है उसके 6 मेजर कंट्रोल्स होते हैं। कौन कौन से? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर और विंड सिस्टम, सी से डिस्टेंस कितना है, ओशियन करेंट्स और वहां के रिलीफ फीचर्स कैसे हैं। जिस तरीके की अर्थ की गोलाई है, कर्वेचर है, तो जो मात्रा में हमें सोलर एनर्जी मिलती है वो भी डिफर करती है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग। नतीजा क्या होता है कि जो एयर टेम्परेचर है वो जनरली कम हो जाता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं। जैसे जैसे कोई सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाएगा तो जो एटमोसफियर है वो कम घनत्व होगा उसका और टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। मतलब जैसे हम पहाड़ों पर ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ ठंडक ज्यादा होती है तो टेम्परेचर गिरता जाता है और वहाँ का एटमॉस्फेयर उतना ज्यादा थिकन नहीं होता है। हिल्स जो है इसी वजह से ज्यादा ठंडी होती है समर्स में। प्रेशर और विंड सिस्टम किसी भी एरिया का डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे और ऑल्टीट्यूड पे उस जगह के, इसी वजह से वो काफी प्रभाव डालता है टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न पे। अब सी यानी जो समुद्र है वो एक बहुत ही मॉडरेट सा प्रभाव डालता है क्लाइमेट पे। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा सी से, अगर वो बढ़ता जाएगा डिस्टेंस सी से, तो उसका जो मॉडरेशन इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा, यानी जो प्रभाव है वो कम होगा और लोगों को बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटेलिटी, यानी कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा। जो ओशियन करंट्स होते हैं वो जो ऑनशोर यानी कि जो शोर पे हवाएं चलती हैं उसके साथ मिलकर कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट पर असर डालते हैं। अब जैसे कोई भी कोस्टल एरिया अगर वार्म या कोल्ड करंट्स जो हैं उसके पास से गुजरेंगी तो वो गर्म होगा या ठंडा होगा अगर विंड्स जो हैं ऑनशोर हैं। मतलब कोस्टल एरिया की जो गर्म या ठंडी हवाएं हैं या जो करंट्स हैं वो जैसे जैसे बहेंगे वो उसके हिसाब से जो ऑनशोर पे हवाएं होंगी वो भी गर्म या ठंडी होंगी। लास्टली हमारा जो कंट्रोल है वो है रिलीफ। रिलीफ भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी जगह की क्लाइमेट को पहचानने में। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो एक तरह से बैरियर का काम करते हैं हॉट या कोल्ड विंड्स के। इन्हीं के कारण प्रेसिपिटेशन भी होता है अगर वो बहुत ऊंचे हैं और जो हवाएं बहती हैं बारिश वाली जो इनके बाद में काफी ज्यादा नमी होती है वो उनके रास्ते में एक तरह से अड़चन बन जाते हैं और इसी वजह से जो नीचे की तरफ है माउंटेन्स की वो काफी हद तक सूखी रहती। अब टॉपिक आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट पर असर डालते हैं। पहला है लैटिट्यूड। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास हो रहा है बिल्कुल कंट्री के बीचों बीच से, यानी रन ऑफ कच्छ जो वेस्ट में है वहां से लेके मिजोरम ईस्ट तक। तो हमारी जो कंट्री का हाफ है वो एक तरह से साउथ में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और इसी वजह से ट्रॉपिकल एरिया को बिलोंग करता है। जितना भी रिमेनिंग एरिया है वो नॉर्थ में आता है ट्रॉपिक के और इसी वजह से उसके सब ट्रॉपिक्स भी आते हैं उसमें। इंडिया का क्लाइमेट इसी कारण से ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहलाता है, यानी क्योंकि उसमें सारी क्वालिटीज ट्रॉपिकल उसकी है या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहलाता है। दूसरा है ऑल्टीट्यूड यानी हाइट। इंडिया में पहाड़ है नॉर्थ की तरफ जिनकी एवरेज हाइट जो है लगभग 6000 मीटर है। इंडिया का एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है जिसकी मैक्सिमम ऊंचाई जो है 30 मीटर है। जो हिमालयाज हैं वो ठंडी हवाओं को रोकते हैं सेंट्रल एशिया से हमारे सब कॉन्टिनेंट में एंटर करने से। इन्हीं पहाड़ों के कारण ये जो सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस है ये काफी माइल्ड विंटर्स को एक्सपीरियंस करता है सेंट्रल एशिया के मुकाबले। फिर आता है थर्ड वाला प्रेशर एंड विंड्स। जो क्लाइमेट या उससे जुड़ी हुई वेदर कंडीशंस है इंडिया में वो गवर्न करी जाती है कुछ खास एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के द्वारा। पहला है प्रेशर और सरफेस विंड्स, दूसरा है अपर एयर सर्कुलेशन, तीसरा है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन।
इंडिया जो है वो नॉर्थ के रीजन में लाइक करता है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो होती है उनके रीजन में आता है। ये विंड्स जो ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, फिर ये साउथवर्ड्स ब्लो करती हैं और डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, यानी अपना रास्ता बदल लेती हैं, राइट की तरफ चली जाती हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण, और फिर दोबारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती। जनरली ये विंड्स जो हैं बहुत कम नमी अपने साथ लेकर चलती हैं जब ये बननी शुरू होती हैं या जब ये लैंड की तरफ बहनी शुरू होती हैं। इसी के कारण बिल्कुल नाम मात्र या ना के बराबर ये बारिश लेके आती है। इसलिए इंडिया जो है वो एक एरिड लैंड हो सकता था, पर ऐसा नहीं है। अब ये देखते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं है। एरिड का मतलब होता है जहाँ बिल्कुल ना के बराबर या बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। जो प्रेशर और विंड कंडीशंस हैं इंडिया के अंदर वो काफी अनोखी हैं। विंटर के दौरान बहुत ही हाई प्रेशर एरिया जो नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में है वहाँ होता है। बहुत ही ठंडी ड्राई विंड्स जो हैं वो इस क्षेत्र से बहती हैं लो प्रेशर एरियाज में, जो कि खास तौर से जो साउथ के ओशियंस हैं उनके ऊपर। समर में लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है इंटीरियर एशिया के ऊपर, साथ ही साथ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इससे क्या होता है, बिल्कुल ही जो विंड्स हैं उनका डायरेक्शन पलट जाता है समर के दौरान। एयर जो है वो हाई प्रेशर एरिया से सदर्न इंडियन ओशन के ऊपर बहती है और साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में इक्वेटर क्रॉस करती है, फिर राइट की तरफ मुड़ जाती है लो प्रेशर एरियाज में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। इनको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ये विंड्स जो हैं वार्म ओशन के ऊपर बहती हैं, वहाँ से नमी इकट्ठी करती हैं और फिर बहुत ज़्यादा बारिश लेके आती हैं जो इंडिया का मेन लैंड है उसके ऊपर। जो अपर एयर सर्कुलेशन है इस क्षेत्र में वो मेनली वेस्टर्ली फ्लो से डोमिनेटेड है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट इस फ्लो का है जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम जो है जनरली लोकेटेड होते हैं 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, इसीलिए इनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। ऊपर इंडिया के ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं साउथ तरफ की तरफ जो हिमालयाज हैं उनके ऊपर बहते हैं पूरे साल सिर्फ समर्स को छोड़ के। जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं ये नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के देखने को मिलती हैं, और ये खास तौर से किसके द्वारा लाई जाती हैं, जो ये वेस्टर्ली फ्लो होता है इसकी वजह से। समर में सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये मूव करते हैं नॉर्थ में हिमालयाज के, और साथ ही साथ जैसे जैसे सूरज मूव करता है वैसे वैसे ये भी मूव करते हैं। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिसको कि हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं, ये पूरे पेनिनसुलर पे इंडिया के ब्लो करता है और लगभग 14 डिग्री नॉर्थ होता है समर मंथ्स के दौरान। हमने अभी कुछ टर्म्स पढ़े। पहला कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स होता क्या है? अर्थ के रोटेशन के कारण जो है ये फोर्स होता है। कोरियोलिस फोर्स मेनली जिम्मेदार है विंड्स जो है उनको डिविएट करने में, उनका डायरेक्शन बदलने में, राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए इसको फेरल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा टर्म हमने पढ़ा जेट स्ट्रीम। ये एक बहुत ही पतली सी बेल्ट है, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर वेस्टर्ली विंड्स की ट्रोपोस्फीयर के अंदर। इनकी जो स्पीड है वो लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है समर्स में और 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है विंटर्स। बहुत सारी अलग अलग जेट स्ट्रीम्स जो हैं उनकी पहचान की गई है। सबसे जो कांस्टेंट है वो है मिड लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। फिर हमने एक और टर्म पढ़ा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो वेदर की प्रक्रिया है विंटर मंथ्स में जो कि वेस्टर्ली फ्लो द्वारा लाई जाती है मेडिट्रेनियन रीजन से। ये ज्यादातर प्रभाव डालती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो इंडिया के हैं उनके वेदर के ऊपर। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो ज्यादातर मॉनसून के दौरान होते हैं या खास तौर से अक्टूबर से नवंबर के महीने में, ये इसी का कारण है जो क्योंकि ये हिस्सा है ईस्टर्ली फ्लो का। ये डिस्टर्बेंसेस कोस्टल रीजन को खास तौर से प्रभावित करते हैं। आपने अगर सुना हो तो जो आपदाएं आती हैं, तबाही हुई है इनके द्वारा ओडिशा में या आंध्र प्रदेश कोस्ट। अब आता है हमारा इंडियन मॉनसून। जो क्लाइमेट है इंडिया का वो बहुत हद तक प्रभावित है मॉनसून विंड से।
वो सेलर्स जो इंडिया आए ऐतिहासिक समय में, वो सबसे पहले थे जिन्होंने मॉनसून की इस प्रक्रिया को नोटिस किया। उनको इससे काफी फायदा हुआ, जो विंड सिस्टम का रिवर्सल था, क्योंकि वो जो है शिप की मदद से आ रहे थे और सिर्फ विंड के भरोसे ही चले आ रहे थे। अरब्स जो इंडिया आए ट्रेडर्स के तौर पे, उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल को विंड सिस्टम के मॉनसून नाम दिया। तो मॉनसून जो एक्सपीरियंस होता है ट्रॉपिकल एरिया में, वो रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ होता है। अब कैसे इसका मैकेनिज्म है मॉनसून का, उसको समझने के लिए कुछ फैक्ट्स जानना जरूरी है। पहला है कि जो हीटिंग और कूलिंग है लैंड और वाटर के बीच का जो उनका डिफरेंस है, उसके कारण लो प्रेशर डेवलप होता है इंडिया के लैंड मास पर, जबकि सी के अराउंड जो है हाई प्रेशर हो जाता है। जो इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन है, उसकी पोजीशन की शिफ्टिंग होती है समर में गंगा प्लेन्स के ऊपर। खास तौर से ये इक्वेटोरियल ट्रफ जो है, नॉर्मली इसकी जो पोजीशन होती है वो 5 डिग्री नॉर्थ होती है इक्वेटर की, और इनको हम मॉनसून ट्रफ कहते हैं। मॉनसून सीजन के दौरान हाई प्रेशर एरिया की प्रेजेंस ईस्ट ऑफ मेडागास्कर के कारण, लगभग कहना चाहिए 20 डिग्री साउथ इंडियन ओशन के ऊपर, तो ये जो इंटेंसिटी है, पोजीशन है हाई प्रेशर एरिया की, ये भी काफी हद तक इंडियन मॉनसून पर असर डालता है। जो तिब्बतियन प्लेट्यू है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है समर्स में, और उसी के कारण स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करेंट्स जो हैं या लो प्रेशर का फॉर्मेशन जो है प्लेट्यू पे होता है लगभग 9 किलोमीटर ऊपर सी लेवल से। जो मूवमेंट है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का नॉर्थ की तरफ हिमालयास के, और जो प्रेजेंस है ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम की इंडियन पेनिनसुला पे, ये भी काफी असर डालती है इंडियन क्लाइमेट पर समर्स के दौरान। अब फिर एक टर्म आई इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। ये क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन जो है वो एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड ट्रफ माना गया है लो प्रेशर का इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। ये वो जगह है जहां पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपस में कॉन्वर्ज करती है, मिलती है। ये जो कॉन्वर्जन जोन है ये ज्यादातर काफी कह सकते हैं पैरेलल है इक्वेटर के, लेकिन नॉर्थ और साउथ मूव करता है जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है। एल नीनो क्या है? ये नाम दिया गया है जो पीरियोडिक डेवलपमेंट होता है वार्म एश कोशियन करंट का पेरू के कोस्ट के अलोंग। एक तरह से हम कह सकते हैं ये टेम्पररी रिप्लेसमेंट है कोल्ड पेरुवियन करंट का। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है बच्चा, और इसको हम रेफर करते हैं बेबी क्राइस्ट से, क्योंकि ये जो करंट्स हैं ये फ्लो करते हैं क्रिसमस के दौरान। एल नीनो की प्रेजेंस जो है उसके कारण जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, और जो ट्रेड विंड्स होती हैं इस इलाके में वो कमजोर पड़ती है। इसके अलावा ये भी नोटिस किया गया है कि जो बदलाव होते हैं प्रेशर कंडीशंस में सदर्न ओशियंस के ऊपर, वो भी मॉनसून पे काफी असर डालते हैं। जब भी ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन में हाई प्रेशर का अनुभव होता है, तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन है वहाँ लो प्रेशर होता है। मतलब अगर एक तरफ पैसिफिक ओशियन में हाई प्रेशर है, तो जो इंडियन ओशियन है उसका उसमें लो प्रेशर होगा। पर कुछ सालों में रिवर्सल भी हो जाता है प्रेशर कंडीशंस में, और ईस्टर्न पैसिफिक में लो प्रेशर हो जाता है और जो इंडियन ओशियन है उसमें हाई प्रेशर। ये जो पीरियोडिक चेंज होता है प्रेशर कंडीशंस में, इसको बोलते हैं सदर्न ऑस्किलेशन या सो। डिफरेंस जो है प्रेशर का ताहिती यानी जो पैसिफिक ओशियन 18 डिग्री साउथ / 149 डिग्री वेस्ट, और डार्विन का नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशियन 112 डिग्री 30 मिनट साउथ 131 डिग्री ईस्ट, ये कंप्यूट किया गया है प्रेडिक्ट करने के लिए कि मॉनसून की इंटेंसिटी कितनी है। अगर प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि बिलो एवरेज या लेट मॉनसून होंगे। ये जो मेन फीचर कनेक्टेड है सदर्न ऑस्किलेशन से वो है एल नीनो फिनोमिनन, जिसके बारे में हमने भी पहले पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि एक जो वार्म ओशियन करेंट है वो पेरुवियन कोस्ट से बहता है बजाय किसके कोल्ड पेरुवियन करंट के, हर 2 से 5 साल में। चेंजेस जो होते हैं प्रेशर कंडीशंस में कनेक्टेड किससे होते हैं? एल नीनो से। इसीलिए इस फिनोमिनन को हम एनसो कहते हैं, यानी एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशंस। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑनसेट मॉनसून का या फिर उनका विड्रॉल। ये करते हैं अगले वीडियो।